देखिए, कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आज देर रात अमेरिका के यूएस फेड के जो चेयरपर्सन है मिस्टर जेरोम पॉवेल, वो अमेरिकी कांग्रेस के सामने ये बताएंगे कि अभी फिलहाल अमेरिका में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, और जो कुछ आंकड़े आए हैं उसके आधार पे वो मूल्यांकन करेंगे और शायद वो इंडिकेशन देंगे कि इंटरेस्ट रेट कम हो पाएंगे या नहीं, और अगर कम होंगे तो कब से होंगे। मतलब मामला ये है कि आज की स्पीच से शायद हमें ये पता लगेगा कि अमेरिकन यूएस फेडरल जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कब करने वाले हैं, इसकी टाइमलाइन का इंडिकेशन शायद मिल सकता है। और अगर वो पॉजिटिव रहा और हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि इंटरेस्ट रेट होगा जुलाई महीने से मान के चले या इससे जल्दी, हमें सिर्फ इतना ही मालूम हो जाए कि इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। और अगर ये टाइमलाइन पॉजिटिव रही तो कल गुरुवार को जो हमारा स्टॉक मार्केट होगा वो ब्लास्ट करेगा, क्योंकि लंबे अरसे से आप ये मान के चलिए कि कोविड काल से बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। भारत के लोगों को भी ये एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ भी शायद इंटरेस्ट रेट घटेंगे ताकि होम लोन वगैरह की डिमांड बढ़ पाए। जब भी अभी हमारी आर्थिक क्रेडिट पॉलिसी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनाउंस होगी तब ये पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कट आया कि नहीं। तो इसके लिए पहले अमेरिका का ये इंटरेस्ट कट ज़्यादा मायना रखता है, वहाँ अगर कट होगा तो यहाँ कट होगा ही। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका में भी ये इलेक्शन है तो शायद इंटरेस्ट रेट कट तय है वहाँ भी, इसीलिए आज बाजार इतनी तेज भागी। तो आज रात को अगर पॉजिटिव इंडिकेशन आता है तो कल बाजार ब्लास्ट करेगा। आपको मेरा ये सूचन है कि कल अगर पॉवेल साहब का इंडिकेशन अच्छा आया है ऐसा आपको पता लगे, आप गूगल में ये सर्च कर सकते हैं स्पीच ऑफ मिस्टर पॉवेल करके, लेकिन वो रात के 12-1 बजे के बाद उपलब्ध हो सकता है, वो स्पीच हो सकती है, तो कल अर्ली मॉर्निंग आप देख लीजिए। और अगर इसमें ऐसा इंडिकेशन आता है कि कुछ टाइमलाइन मिलती है इंटरेस्ट कट की, तो कल का बाजार जैसे ही ओपन हो आपको क्या करना है, 13th of March की एक्सपायरी वैल्यू बैंक निफ्टी की 48,100 की कॉल आपको खरीद लेनी है। तो बस आप देखेंगे कि इसमें आपको मुनाफा मिलेगा, और आप देखेंगे कल बड़ा गैप अप हो सकती है मार्केट 250-300 पॉइंट, और अगर इतना गैप अप मिलता है तो फिर इंडेक्स कल ही, कल मेरा ऐसा मानना है कि 48,500 तक जा सकता है और निफ्टी 22,500 तक जा सकता है। आपने, मैंने जैसे बताया था HDFC बैंक में तेजी आ सकती है, तो देखा आपने उसका शेयर आज काफी बड़ा, आप इसका ऑप्शन भी 1460 का
मार्च एक्सपायरी का ले सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि अगर बहुत गैप अप मिलता है तो इमीडिएटली आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, पहले बाजार को कूल डाउन होने देना है। और जैसे ही कल मार्केट शुरू होगा तो एक बात याद रखेंगे कि फिर तीन दिन मार्केट बंद है, तो कल आपको जो भी ट्रेड आप ले वो हो सके तो स्क्वेयर अप कर ले। कल के ही दिन कोई भी पोजीशन है वो कैरी मत करिए, अगर कैरी करेंगे तो प्रीमियम गलेगा और आपको घाटा हो सकता है। आज जैसा कि कल मैंने बताया था, जो BHEL भेल का जो शेयर है वो आज काफी घटा, लेकिन ये एक मौका है खरीदारी का। मैं फिर दोहराता हूं कि ये भेल का शेयर जो है वो इलेक्शन जब पिक पे होगी, इलेक्शन का जो एक्सरसाइजेस है, जो जैसे जैसे मोमेंटम होगा उसमें, वैसे वैसे भेल में काफी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और आज कुछ सर्वेस आए हैं, कुछ सर्वे आए हैं लोकसभा इलेक्शन के बारे में, तो उसमें ये बताया गया है कि मोदी जी को आराम से 350 सीट्स मिल जाएगी, तो इसका भी इम्पैक्ट बाजार पे पॉजिटिव रहेगा कल। तो कल तो अगर देखिए कि पावेल साहब की कमेंट्री पॉजिटिव आ गई और वो आएगी भी पॉजिटिव, तो ये बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि शेयर बाजार में हमारा कुछ नहीं चलता है, अगर मान लो कि नेगेटिव आ गई कमेंट्री तो क्या होगा। इसीलिए आपको धैर्य से इंडेक्स को देखते देखते ही ट्रेड लेने हैं, ऐसे दौड़ के नहीं जाना है। ये तो एक एडिशनल वीडियो है, बाकी डिटेल में वीडियो अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं देर रात एज यूजुअल अपलोड करूँगा। कृपया आप इसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। मैंने यही देखा है कि करीबन 85% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ऐसे मात्र 15% लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट या सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, और क्या करना है, ना कोई पैसे देने हैं, ना कोई आपको कोई परेशानी होने हो, इसमें कोई नेट कोई क्या ज़्यादा यूज होने वाला है, आपको सिर्फ क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। तो आप सब्सक्राइब करो और देखो, अब ये जो दिवाली आएगी अभी इस साल की, उस तक आपके वॉलेट में आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं। मेरे जो कल वाला जो मैंने ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी का, वो आप देख लीजिए कहाँ पहुंचा है। 47,400 का मैंने कॉल दिया था, कृपया आप उसका कॉल का जो लो एंड हाई है वो देख लीजिए। आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आपके नसीब की बात है, आप देखिए, सब्सक्राइब करिए और कोऑपरेट कीजिए। ओके, आप सबको कल के ट्रेडिंग सेशन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।